हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 4.1 का 2 का आज हम लोग कौन सा देखेंगे, 4 नंबर, ठीक है, क्लास टेंथ का, ठीक है स्टूडेंट। क्लास टेंथ का फोर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर देखेंगे। क्वेश्चन अब 2 का 4 क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आ ट्रेन ट्रैवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक ट्रेन है, ठीक है स्टूडेंट, वो यूनिफॉर्म स्पीड से जब चलती है तो वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करती, 480 किलोमीटर ट्रैवल क्या करते हैं, डिस्टेंस क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। यदि हम लोग उसमें से उसका जो यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग 8 किलोमीटर पर आवर क्या करते हैं, लेस करते, जो चल रहा था स्पीड उससे क्या करते, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर क्या करते, लेस करते उस स्पीड में, तो उस ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है उसी डिस्टेंस, मतलब उतनी ही दूरी पहुंचने में, कितना डिस्टेंस जाने में, 480 किलोमीटर जाने में उसको 3 घंटा अधिक लगता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। सॉल्यूशन में देखेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लेते हैं क्या एक्स किलोमीटर पर आवर चलता है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है, यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग ने मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए आगे देखते क्या करेंगे, ठीक है। ट्रेन तब हम लोग जानते, देखिए डिस्टेंस कितना लग रहा है इसको, डिस्टेंस जब एक्स किलोमीटर की पर आवर से चलती है तब इसको कितना डिस्टेंस लगता है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, टाइम टेकन, ठीक है, ये बता रहे हैं टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो हम लोग को टाइम बताना है उसको कितना समय लगेगा, तो देखते हैं, ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, हम लोग को टाइम बताना है। ये टाइम का क्या फॉर्मूला, आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा स्टूडेंट, टाइम का ये फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को ऐसे ही करके सॉल्व करना पड़ता है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब टाइम तो हम लोग को नहीं पता, यही फाइंड करना है, डिस्टेंस हम लोग को कितना पता है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, हम लोग इसके जगह में कितना लिख देंगे स्टूडेंट, डिस्टेंस की जगह 480, ठीक है, और डिवाइडेड में स्पीड कितना है हम लोग का, स्पीड कितना माने हम लोग ने यूनिफॉर्म स्पीड एक्स, तो हम लोग लिख देंगे एक्स। तो चलिए हम लोग का इक्वेशन हम लोग इसको 1 मान लेते हैं। आप देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग बोलते हैं नाउ, अब आगे देखते हैं, नाउ टाइम टेकन थ्री आवर मोर टू कवर 480 किलोमीटर when the स्पीड इज डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए सुनिए यहाँ पे क्या कर रहा था, जब हम लोग क्वेश्चन में ही कह रहा था, ठीक है, क्वेश्चन में ही कह रहा था इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक, यदि हम लोग स्पीड में, ठीक है, यदि हम लोग स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे, कम कर दे, तो उस ट्रेन को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, 480 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको 3 घंटा और ज़्यादा लगेगा, तो ठीक है टाइम को हम लोग कितना लगेगा, टाइम क्या हो जाएगा उसका, उसको 3 घंटा ज़्यादा समय लगेगा, तो हम लोग टाइम क्या हो जाएगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टी प्लस 3, इसलिए कि क्योंकि हम लोग को 3 घंटा और अधिक समय लग रहा है टाइम में, ठीक है। और टाइम का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं,
देखिए, और यहाँ पे टाइम को फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। जो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो हम लोग का उतना ही है क्योंकि इतना ही को ही ट्रैवल करने में एक बार एक यूनिफॉर्म स्पीड से इतना ट्रैवल करता है, ठीक है। और एक बार जब हम लोग उसमें 8 किलोमीटर पर आवर घटा देते हैं उसके स्पीड में, तो उसको इतना ही दूरी जाने में कितना समय, 3 घंटा और ज़्यादा समय लगता है पहले वाले के अनुसार, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग एक्स का क्या करेंगे, एक्स में एक्स माइनस एट, क्योंकि हम लोग को क्या करना था, इस यूनिफॉर्म स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर घटा देना, तो हम लोगों ने घटा दी। तो हम लोग का एक फॉर्मूला हो गया, ये हो गया इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन टू। अब हम लोग कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए यहाँ पे जो टी का वैल्यू ना उसको पुट कर देते हैं इक्वेशन टू में। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, पुटिंग द पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन टू। हम लोग इक्वेशन टू में क्या कर रहे हैं, टी का वैल्यू पुट कर दे। टी का वैल्यू क्या है, 480 डिवाइडेड बाय एक्स, तो यहाँ पे 480 प्लस 3। चलिए कर देते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 और इक्वल टू, क्योंकि हम लोग का यही था टी प्लस 3, तो टी के प्लेस में पुट कर दी और ये प्लस 3, और यहाँ पे हम लोग का क्या था 480 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एट। हम लोग ने स्टूडेंट यहीं का हम लोगों ने क्या किया, इसी में पुट कर दिया। तो यहाँ पे पुट किया तो 480 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 और इक्वल टू के बाद 480 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एट, जो कि हम लोग ने यहाँ पे कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, दे देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा हम लोग का, एलसीएम तो एक्स आएगा, ठीक है, 1 बार में आएगा, तो कितना हो जाएगा 480 प्लस इसके नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ये वाला टर्म को इधर ले, इसको क्या करेंगे इधर लेके आ जाते हैं, तो 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाय एक्स, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 480 एक्स माइनस एट इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, और इधर इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि इधर क्या था प्लस में था, इक्वल टू किधर है तो माइनस में हो गया, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका भी पूरा का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे में एक्स और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, देखिए एक्स को इससे डिवाइड करेंगे तो वाला टर्म कटेगा और ये वाला टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 480 प्लस 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का इंटू में एक्स माइनस एट। एलसीएम ले रहे स्टूडेंट और कुछ नहीं कर रहे हम लोग, इससे इसको डिवाइड करेंगे वाला टर्म को, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स, एक्स को हम लोग जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 480x और इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिए, अब 480 को इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा हम लोग का, या तो एक काम करते हैं चलिए एक स्टेप और बढ़ लेते हैं हम लोग, 3x यहाँ पे एक्स माइनस एट और ये 480x इक्वल टू 0। इस टर्म को हम लोग इक्वल टू किधर भेज देते हैं, ठीक है, डिवाइड में था इनटू में जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है सर। अब चलिए अब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 480 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ठीक है स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस 480 को हम लोग जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 480 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, तो 0 8 8 60 8 8 64 और 6 हैंड में, और ये कितना हो जाएगा 8 4 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, तो हम लोग कितना आ गया 3840, ठीक है स्टूडेंट। अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x को x से, तो प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और 3x ये प्लस माइनस माइनस 3x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24x, ठीक है, और ये हम लोग का x इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये क्या है,
480x माइनस में और यहाँ पे 480 क्या है प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो बचा उसको लिख देते हैं, पहले ये इसको लिख देते हैं प्लस वाला को, 3x² माइनस इसको लिख देते हैं 24x सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3840 इक्वल टू जीरो। देखिए हम लोग ने इतना लिख दिया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 3 कॉमन आ जा रहा है सब में, ठीक है 24 है 3 सब में कॉमन आ जा रहा है, तो हम लोग क्या करके 3 कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा x² माइनस 3 8 जा 24x माइनस क्या कर देंगे 3 1 जा 3, यहाँ से 3 2 जा 6, ठीक है 2 यहाँ चला जाएगा 3 8 जा 24 एंड ये 0 इक्वल टू 0। ठीक है अभी 3 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0 में चला जाएगा इक्वल टू 0, जो कि हम लोग का ये आ जाएगा इक्वेशन और यही हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये भी हम लोग का आंसर खत्म यहीं पे, क्योंकि हम लोग और ज़्यादा नहीं निकलना क्योंकि हम लोग को इक्वेशन निकालने बोला था। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।